हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल, कार इंटर में आप लोगों का स्वागत है। सो आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, वो है टाटा टियागो सीएनजी एक्सजेड प्लस वेरिएंट। सो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमें टियागो सीएनजी के अंदर देखने में कौन कौन से वेरिएंट मिलते हैं। वो हमें मिलते हैं एक्सई, एक्सएम, एक्सटी, एक्सजेड प्लस। सो हम जो आज गाड़ी की बात करेंगे वो है एक्सजेड प्लस वेरिएंट। सो चलिए वीडियो करते हैं। अगर हम बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट प्रोफाइल के अंदर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी ग्रिल। सो अगर हम ग्रिल के बारे में बात करते हैं, तो फ्रेंड्स ग्रिल के मिडिल पोर्शन के अंदर आपको बिल्कुल सेंटर में आपको देखने को मिलेगा ट्राई एरो पैटर्न, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो ग्रिल के सेंटर पोर्शन में आपको ट्राई एरो पैटर्न देखने को मिलेगा, साथ में अपर पोर्शन के ऊपर आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगा। और अगर हम ग्रिल के लोअर पोर्शन की बात करते हैं, तो इधर आपको सारा क्रोम देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स क्रोम की जो, जैसे आप ये क्रोम देख रहे हो, ये सारा हमारे हेडलाइट्स के एंड तक जा रहा है क्रोम। सो अब अगर हम बात करते हैं गाड़ी के हेडलाइट्स की, सो गाड़ी के जो हेडलाइट्स है वो आपको प्रोजेक्टर विद हैलोजन बल्ब मिलते हैं हाई बीम के अंदर। प्रोजेक्टर आपको लो बीम में मिलेगा, बल्ब आपको हाई बीम में मिलेगा। इस साइड आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल सकती है। सो बम्पर आपको बॉडी कलर देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं बम्पर की, सो फ्रेंड्स बम्पर के साथ आपको नीचे आपको यहाँ पे DRLs देखने को मिल जाता है। DRLs के साथ आपको यहाँ पे फोक लैंप देखने को मिलता है। अगर फोक लैंप्स के जो आउटर पोर्शन है हमारा, उसमें आपको सारा क्रोम देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल के अंदर आपको सबसे पहले देखने को मिलता है टायर साइज़। तो अगर हम टायर साइज़ के बारे में बात करते हैं, तो टायर आपको देखने को मिलेगा R14 इंच का आपको टायर देखने को मिलेगा। इसके साथ अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको वो हाइपर स्टाइल व्हील आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फेंडर पे, तो फेंडर पे आपको कोई इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता। और इसका जो ORVM है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ORVM देखने को मिलता है, टर्निंग इंडिकेटर। अगर हम बात करते हैं ORVM के अंदर, तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ORVM देखने को मिलता है। सो गाड़ी के जो बी पिलर्स हैं वो आपको मैट ब्लैक फिनिश के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो बी पिलर्स आपको मैट ब्लैक फिनिश के अंदर देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके डोर हैंडल्स की, सो डोर हैंडल्स जो CNG के अंदर आए हैं, टियागो CNG के अंदर, उसके अंदर जो एड ऑन हुआ है वो ये हुआ है कि इसके अंदर जो आपको जो क्रोम की थोड़ी सी ये स्ट्रिप देखने को मिल रही है, ये आपको CNG के अंदर जो अब जो टियागो के अंदर अपग्रेड आया है 2022 के अंदर, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। साथ हम बात करते हैं गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको 168 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा गाड़ी के अंदर। सो गाड़ी की जो ओवरऑल साइड प्रोफाइल है वो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलती है। सो अगर हमारा ये फ्यूल लेड ओपन है, तो अगर जैसे हम इसका यहाँ पे आपको पेट्रोल का स्लॉट मिल जाएगा पेट्रोल अपना फिल करने के लिए, इधर आपको CNG का मिल जाएगा। अगर हमारा फ्यूल लेड ओपन है, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो स्लॉट लग गया है। सो जैसे माइक्रो स्लॉट जब तक हमारा फ्यूल लेड ऐसे बंद नहीं होगा ना, तब तक हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और इसके अंदर आपको MID के अंदर आपको वहाँ पे नोटिफाइड करता रहेगा वो कि अपना फ्यूल लेड बंद कर दो, तभी आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। और इन केस अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल लेड ओपन है, तो आपकी गाड़ी जो स्टार्ट ही नहीं होएगी कहीं पे भी, अगर हम जैसे वहाँ पे खड़े हुए हैं। और अगर हमने फ्यूल लिट अपना ओपन कर दिया, तो हमारी जो गाड़ी स्टार्ट है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो इस साइड आपको फ्यूल लिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि अपना फ्यूल लिट ऑफ कर दो। सो क्लोज फ्यूल लिट का आपको इसके अंदर ऑप्शन आ जाता है देखने को कि अपना जो आपका फ्यूल लिट है उसको ऑफ कर दो, बंद कर दो, तभी आपकी गाड़ी स्टार्ट होएगी। करते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल की, सो फ्रेंड्स जो रियर प्रोफाइल है वो हमें देखने को कुछ ऐसा मिलता है, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं, हमें सबसे पहले स्पॉइलर देखने को मिलता है। जो स्पॉइलर है हमारा वो बॉडी कलर्ड हमें देखने को मिलता है। साथ में जो हमारे जो स्पॉइलर के कॉर्नर्स है फ्रेंड्स, ये आपको ग्लोसी ब्लैक के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये स्पोर्टी लुक के लिए लगाए, मतलब स्पोर्टी लुक का मेन वो है, वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है। ये स्पोर्टी लुक के लिए ही, मतलब लुक को एनहांस करने के लिए रियर से इसलिए ले हुए हैं। और ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, हमें यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने को मिलता है, साथ में हमें वॉशर वाइपर डिफोगर देखने को मिल जाता है। और इधर हमें वोकल फॉर लोकल और CNG का पैच देखने को मिल जाती है। अब अगर हम बात करते हैं जो हमारा जो रियर प्रोफाइल है, उसके अंदर मिडिल पोर्शन के अंदर, तो मिडिल पोर्शन हमें टाटा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। नीचे हमें टियागो पैच देखने को मिल जाता है। साथ अगर हम बात करते हैं, हमें नीचे रियर्स कैमरा देखने को मिल जाता है। इसके साथ जो आप क्रोम देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो डिक्की क्रोम है, ये जैसे कि आप लोग देख रहे हो, सो ये क्रोम मतलब अब से जो गाड़ी का जो 2022 से जो गाड़ी टॉप मॉडल में आएगी, उसके अंदर आपको ये एड ऑन दिखेगा। ये एड एसेसरीज पहले हुआ करता था, आपकी मर्जी होती थी आप इसको लगवा सकते हो नहीं लगवा सकते। अब अगर हम बात करते हैं, हमें इस साइड ICNG का हमें ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साथ अगर हम बात करते हैं रियर टेल लाइट की, तो फ्रेंड्स रियर टेल लाइट आपको वही बल्ब्स के अंदर देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको सबसे ऊपर इंडिकेटर मिलेगा, साथ में मिडिल में आपको रिवर्स लाइट मिलेगी, और लोअर में आपको ब्रेक लाइट मिलेगी। अब अगर हम बात करते हैं बम्पर की, सो फ्रेंड्स बम्पर आपको सारा बॉडी कलर देखने को मिलता है, बट जो इसका मॉडल मिडिल पोर्शन है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो इसका जो ये मिडिल पोर्शन है फ्रेंड्स, ये मिडिल पोर्शन आपको ब्लैक के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि हमारा मैट ब्लैक के अंदर है। सो ये हमें मैट ब्लैक के अंदर मिडिल पोर्शन देखने को मिलेगा। सो गाड़ी की रियर प्रोफाइल आपको देखने को कुछ ऐसे मिलेगी। सो अब अगर एक बार हम बात करते हैं कि जो हमें जो CNG का गैस सिलेंडर देखने को मिलता है, ये कितने लीटर का, सो फ्रेंड्स जो हमारा CNG का जो गैस सिलेंडर है, वो हमें 12 किलो का हमें सिलेंडर देखने को मिलता है CNG का।
सो साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि हम इसके अंदर से अब अपना वो कैसे निकालेंगे जो हमारा जो हमारा स्पेयर व्हील है। सो फ्रेंड्स, स्पेयर व्हील जो आपको देखने को मिलेगा आपको इस साइड देखने को मिलेगा। सो अगर आपको स्पेयर व्हील निकालना तो आपको पहले इसी डाउन करनी पड़ेगी। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो अगर आपको स्पेयर व्हील अपना निकालना है तो आपको एक बार डाउन करना पड़ेगा। सो इधर से आपको डाउन करके, सो फ्रेंड्स इधर से आपको अपना स्पेयर व्हील गाड़ी का निकालना पड़ेगा और इजिली गाड़ी का स्पेयर व्हील भी निकल जाता है। सो साथ अगर एक बार हम लोग बात करते हैं कि जो हमें जो गाड़ी के अंदर जो पार्शल ट्रे मिली है, सो फ्रेंड्स पार्शल ट्रे आपको बहुत हार्ड प्लास्टिक की देखने को मिली है जिसके अंदर आप इजीली अपना सामान रख सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत हल्की पार्शल ट्रे है और सामान रखते नीचे हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर पार्शल ट्रे देखने को मिली है। गाड़ी का बूट स्पेस आपको कुछ ऐसे देखने को मिलता है। सो अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। सो चलिए मिलते हैं आपको गाड़ी के इंटीरियर में। फ्रेंड्स एक बार आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाने से पहले मैं एक बार आपको गाड़ी की दिखाया, तो गाड़ी की आपको देखने को कुछ ऐसे मिलती है जिसके अंदर आपको इसके साथ आपको एक और की मिलती है, वो इसके अंदर है नहीं अभी फिलहाल। जैसे अल्ट्रोस वगैरह के अंदर जो हमें की देखने को मिलती है आपको वही की देखने को इसके साथ मिल जाती है। अगर बात करते हैं इसके साथ आपको यहाँ पे फ्लिप की देखने को मिलती है, इसमें आपको लॉक और अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। साथ अगर हम लोग बात करते हैं इसमें आपको फॉलो मी हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। सो चलिए एक बार गाड़ी का इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। गाड़ी का जो आपको डोर पैनल देखने को मिलता है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो आपको ड्यूल टोन के अंदर मिलता है, क्योंकि गाड़ी का जो इंटीरियर है फ्रेंड्स वो ड्यूल टोन के अंदर है गाड़ी का इंटीरियर। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो हमें अपर पोर्शन देखने को मिलता है फ्रेंड्स, ये हमें ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलता है। साथ में अगर हम बात करते हैं इसके अंदर हमें यहाँ पे बेज कलर देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स जो बेज कलर है ये पहले क्या होता था, जो हमारे जो 2021 के अंदर टियागो वगैरह आती थी उसके अंदर हमें ग्रे कलर देखने को मिलता था। सो मैं आप लोगों को एक बार दिखाया तो इसके अंदर जो आपको कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, ये जो आपको लीवर देखने को मिलता है आपको क्रोम के अंदर देखने को मिलेगा। साथ में आपको चारों पावर विंडो देखने को मिलेगी। इधर आपको पावर विंडो लॉक और अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। सो अब अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो आपको एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, एसी वेंट्स आपको क्रोम के अंदर देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स पर्सनली मुझे इसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को एक बारी गाड़ी के सीट्स दिखाया था, तो जो सीट्स है हमारे इसके अंदर जो हमें ट्राई एरो पैटर्न देखने को मिलता है सीट्स के अंदर, ये एक यूनिक डिज़ाइन है। और जैसे कि आप इसके अंदर कुशनिंग भी देख रहे हो कितनी बढ़िया कुशनिंग हुई हुई है इसके अंदर। और मेरे को मतलब इसके अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इसके अंदर जो यूनिक एक हमें ट्राई एरो पैटर्न के साथ डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। और आपको ये सिक्स वे एडजस्टेबल देखने को मिलती है इसके अंदर, हाइट एडजस्ट, इधर आपको ये हाइट एडजस्टमेंट के लिए मिल जाता है, इधर आपको रिक्लाइन के लिए ऑप्शन मिलता है, आपको ये सिक्स वे हाइट एडजस्टमेंट सीट मिलती है। सो फ्रेंड्स जो आपको इंटीरियर के अंदर जो आपको सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, वो आपको स्टीयरिंग व्हील कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको सबसे पहले सामने देखने को हॉर्न मिलेगा, यहीं पे आपको एयरबैग देखने को मिलेगा। और इस साइड जो अगर हम बात करते हैं आपको सारा पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर देखने को मिलेगा। इधर फ्रेंड्स आपको लेफ्ट साइड में आपको सारे मीडिया कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। सो अगर हम बात करते हैं बिल्कुल सेंटर हमें MID देखने को मिल जाती है। सो अगर हम MID के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स जो हमारी MID है उसके अंदर हमें सबसे पहले देखने को फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे आपको RPM मीटर देखने को मिल जाता है। और राइट साइड पे अगर हम बात करते हैं हमें सबसे ऊपर राइट साइड के अंदर हमें ऊपर देखने को मिलता है CNG के लिए। और फ्रेंड्स CNG की हमें देखने को मिल जाता है कितनी कैपेसिटी के, मतलब कितना रह गया टैंक के अंदर कितना नहीं है। और लोअर में हमें राइट साइड के अंदर पेट्रोल के लिए देखने को मिल जाता है। सो अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर सेंटर कंसोल की। सो फ्रेंड्स सेंटर कंसोल आपको गाड़ी का कुछ ऐसे देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको सबसे पहले ऊपर देखने को मिलते हैं AC वेंट्स के जो बॉर्डर है वो आपको क्रोम के अंदर देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स उसके नीचे आपको जो टच डिस्प्ले देखने को मिलती है आपको 7 इंच की हार्मन की टच डिस्प्ले देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही आपको सपोर्टेड मिलेंगे। इसके साथ अगर हम बात करते हैं इधर आपको कुछ बटन्स का कंट्रोल देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको CNG एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं इधर आपको फ्रेंड्स ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। इधर आपको कोई स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं मिलती, इसमें आपको डायरेक्ट बटन्स देखने को मिलते हैं। सो अब अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो। जैसे कई बार हमें पंप वगैरह के वो हवा भरने के लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है। सो फ्रेंड्स इस साइड आपको एक USB चार्जिंग देखने को मिल जाती है। सो साथ हम बात करते हैं इधर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। और फ्रेंड्स टाटा टियागो सीएनजी के अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगी। इसमें फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं इस साइड हमें 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, साथ हमें हैंड ब्रेक देखने को मिल जाती है। और इधर हमें कुछ कॉइन्स वगैरह रखने का ऑप्शन मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं गाड़ी के ग्लव बॉक्स की। सो फ्रेंड गाड़ी का जो ग्लव बॉक्स है उसका ओपनर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। साथ में इसके अंदर फ्रेंड्स आपको ऊपर यहाँ पे बुकलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ में आपको लैपटॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। सो अब हम बात करते हैं इसके अंदर हमें कितने स्पीकर देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स इसके अंदर हमें 4 ट्विटर और 4 स्पीकर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ट्विटर्स की प्लेसमेंट यहाँ पे, स्पीकर की प्लेसमेंट्स हमारे डोर पैनल के ऊपर है। और अब जो IRVM है वो आपको मैनुअली एडजस्टेबल देखने को मिलेगा। सो IRVM आपको मैनुअली एडजस्टेबल देखने को मिलेगा। अब जो गाड़ी के अंदर देखते हैं वैनिटी मिरर्स आपको को पैसेंजर साइड देखने को मिलेगा। और ड्राइवर साइड फ्रेंड आपको टिकट होल्डर देखने को मिलता है, और टिकट होल्डर के साथ आपको ऊपर माइक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। माइक की प्लेसमेंट मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। तो चलिए अब एक बारी बात करते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल की।
सो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो गाड़ी के अंदर जो सेफ्टी का खासकर ध्यान रखा गया वो ये रखा गया कि हमें यहाँ पे को पैसेंजर साइड हमें फायर एक्सटेंशन देखने को मिल जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हो अभी सीट बिल्कुल पीछे कर रखी थी, सो अगर हम इसको सीट को आगे कर देते हैं तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे हाइड भी हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे हाइड हो गया, और सबसे बड़ा मतलब सेफ्टी खासकर टाटा ध्यान रखते हैं, जैसे बिल्ड क्वालिटी होगी और बाकी चीज़ होगी, तो उन्होंने फायर एक्सटेंशन का इस साइड पे को पैसेंजर साइड आपको फायर एक्सटेंशन का दिया गया। सो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं गाड़ी के रियर सीटिंग पोस्चर की। सो अगर हम बात करते हैं गाड़ी के रियर, उसमें तो फ्रेंड्स रियर जो हमारा डोर पैनल है उसके यहाँ पे आपको ट्विटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इधर आपको स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और अब हम बात करते हैं गाड़ी के अंदर जो हमें सीट देखने को मिलती है। फ्रेंड्स सीट जो आपको देखने को मिल रही है वो आपको देखने को कैसे मिलती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। और इसके अंदर जो आपको जो हमारा जो नेकलेस देखने को मिलेगा ये इसके अंदर फ्रेंड्स फिक्स्ड है, इसके अंदर आपको कोई आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। सो चलिए एक बार इसका बैठ कर देखते हैं। सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है, सो हाइट मेरी 6 फीट है। सो एक बार मैं आपको इसका सिटिंग पोस्चर दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं इसके अंदर इजीली बैठूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा हूँ, मेरे को सफोकेशन सा फील हो रहा है, ऐसा कुछ। इसका जो शीशा है आप देख सकते हो कि इसका जो शीशा है वो कितना ही बड़ा इसका शीशा है कि मेरे को यहाँ से ऐसे नहीं लग रहा कि मेरा दम दम घुट रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ और ये मतलब कंजेस्टेड सा फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं मेरे को लग रहा। सो मैं मतलब जो फ्रंट की जो सीट है वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट थी, 6 फीट जैसे मैंने आपको बताया मेरी हाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बैठा हूँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा हूँ बैठा हुआ। बट हाँ इसके बीच में ये हम्प जो रखा हुआ फ्रेंड्स, अगर इसको फ्लैट कर देते तो ज़्यादा बेटर रहता ये, इसको थोड़ा सा अगर ये फ्लैट होता तो ये ज़्यादा बेटर रहता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं इसको देख रहा हूँ तो ये फ्लैट ज़्यादा सही रहता। इस साइड आपको एक बोतल होल्डर देखने को मिल जाएगा। सो रियर से आपको जो गाड़ी फ्रंट की तरफ देखने को मिलेगी वो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। सो आप लोग देख सकते हो इस साइड आपको सेंटर में आपको लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लाइट आपको इसमें LED देखने को मिलेगी। सो साथ अगर हम लोग बात करते हैं इस साइड आपको हैंडल ग्रिप देखने को मिल जाती है। सो फ्रेंड्स हम लोग एक बारी बात करते हैं गाड़ी के इंजन की, तो इसके अंदर जो हमें इंजन मिलता है पेट्रोल के अंदर वो हमें मिलता है 1.2 लीटर रेवेट्रॉन इंजन। उसके अंदर जो हमें PS मिलती है वो हमें मिलती है 86 की, और जो टॉर्क मिलता है वो मिलता है 113 Nm का टॉर्क मिलता है। अब हम बात करते हैं हमें CNG के अंदर कितनी मिलेगी, तो फ्रेंड्स हमें CNG के अंदर जो इंजन तो हमें सेम देखने को मिलेगा 1.2 लीटर रेवेट्रॉन इंजन, बट अगर हम बात करते हैं हमें इसके अंदर पावर कितनी मिलेगी और टॉर्क कितना मिलेगा, तो इसके अंदर हमें जो पावर मिलेगी वो मिलेगी 73 की पावर मिलेगी, और टॉर्क मिलेगा हमें इसके अंदर 95 Nm का। अब हम बात करते हैं इसके सेफ्टी की, तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो हमें सेफ्टी देखने को मिलती है वो हमें मिलती है ABS, EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, और हमें ड्यूल एयरबैग्स देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।